Hello and welcome. I am Rajdeep Chandrakar and I am Senior Faculty of Geography at Abhimanyu. अपने पिछले वीडियोस में हमने बात की है एडियाबेटिक प्रोसेसेस से रिलेटेड. उससे रिलेटेड हमने प्री के कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं कि प्री में किस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं रिलेटेड टू एडियाबेटिक प्रोसेस, नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी और उससे रिलेटेड वेदर फिनोमेना, किस टाइप के कामर कंडीशन और कन्वेक्शनल रेनफॉल के कंडीशन क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर. सपोज इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, मींस अभी तक तो नहीं आया है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, दो ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल. लेकिन अगर जीएस में सपोज कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर एडियाबेटिक प्रोसेसेस एंड व्हाट आर इट्स इंपैक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर या फिर सराउंडिंग इट एनवायरनमेंट, यहां पर हम स्टार्ट कर सकते हैं व्हाट आर एडियाबेटिक प्रोसेसेस को बाय डिफाइनिंग एडियाबेटिक प्रोसेसेस दैट if we go into the etymology or terminology then adiabatic processes are nothing but the process which is impassable, that is there is no exchange of heat with the surrounding atmosphere as far as an air parcel is concerned. yahan par humne define kar diya that what are adiabatic processes. ab adiabatic processes mein ho kya raha hai, either the air parcel is rising or the air parcel is falling and because of which there is either expansion or contraction. ये हमें एक्सप्लेन करना है अपने बॉडी पार्ट में, आंसर के बॉडी पार्ट में. अगर इसको आप इंटरलिंक करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ये आंसर में तो नहीं करना है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट लेके नहीं आना है आंसर में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक जो प्रोसेस है, तो इसमें तीन गैस लॉज लगते हैं और वो गैस लॉज जो होते हैं वो है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसेक्स लॉ. तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसेक्स लॉ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका इंटरेक्शन हो रहा है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीन जो वेरिएबल्स हैं इसमें से आप एक एक कांस्टेंट रखते जाएंगे और उसके बाद फिर इंटरेक्शन देखते हैं, तो उस बेसिस पे एक बॉयल्स लॉ आता है, एक चार्ल्स लॉ आता है, एक गे-लुसेक्स लॉ आता है. कि सपोज इफ यू आर कीपिंग प्रेशर कॉन्स्टेंट देन वॉट इज द वॉट इज द variation between the temperature and the volume, if you are keeping the volume constant then what is the relationship between pressure and temperature, and if you are keeping the temperature constant then what is the relationship between pressure and volume. So iske basis pe agar hum ise summarize kare to aapko ye dekhna hoga ki volume is directly proportional to temperature and inversely proportional to pressure. agar ye teenon ka summary dekhe, yahi physics hum follow kare, yahi thermodynamics hum follow kar rahe hain एडियाबेटिक प्रोसेस के सिनेरियो. जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज देर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर. सिमिलरली अगर आप प्रेशर को इंटरचेंज कर देते हैं विथ वॉल्यूम तो आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर भी आ जाता है इस सिनेरियो में. अब ये सारा चीज़ हम मेंशन तो कर नहीं सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आंसर लिख नहीं सकते, तो हम आंसर में क्या लिख के आएंगे, After defining adiabatic process, we will write about, after definition, in the body part we will write about the impact of adiabatic process. That what are the relationship between the normal lapse rate or environmental lapse rate, the dry adiabatic lapse rate and the wet adiabatic lapse rate. अब ये relationship भी suppose आपको याद नहीं है तो आपको simply ये लिखना है, mention कर देना है कि because of humidity, relative humidity, there is normal lapse rate is happening and because of relative humidity there are DALR and WLR. WLR के scenario में आपको एक चीज़ जो mention करनी होगी वो है latent heat of condensation. इस latent heat of condensation को mention करने के बाद आप बताएंगे कि latent heat of condensation compensation हो रहा है in terms of lapse rate. इसके बाद आप directly आएंगे atmospheric stability और atmospheric instability के scenario में, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर एडियाबेटिक प्रोसेसेस, व्हाट आर इट्स इंपैक्ट ऑन दी सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो यू इट्स बेटर टू राइट अबाउट एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी. नाउ इन स्टेबिलिटी कंडीशन यू कैन राइट दैट सिंस द इंटरेक्शन बिटवीन द ELR, DALR एंड WLR इज जो हमारा रिलेशनशिप है जो हमने देखा है यहाँ पर स्टेबिलिटी के कंडीशन में, ELR या ELR जो है adiabatic lapse rate less than WLR and is less than
TLR, तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है आपका, कामर कंडीशन क्रिएट हो रहा है। वहीं अगर आप इनस्टेबल कंडीशन की बात करें तो सिनेरियो रिवर्स हो जा रहा है, WLR इज लेस देन TLR और DALR, तो उस सिनेरियो में आपके हैवी रेनफॉल या कन्वेक्शनल रेनफॉल के सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं। आपको ये मेंशन करना है कि दोनों कंडीशन किस टाइप के आउटकम्स आते हैं एज फार एज वेदर फिनोमेना इज कंसर्न। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में आप लिख के आ सकते हैं जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा आप नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में भी लिख सकते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे टेम्परेचर एक्सचेंज होता है। वेयर इज इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नॉट एन एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड हेंस देयर इज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन केस ऑफ ईदर राइजिंग और फॉलिंग एयर पार्सल। सो दिस वी हैव टू राइट एज फार एज आंसर इज कंसर्न। देयर इज नो क्वेश्चन रिलेटेड टू previous year mains as far as this topic is concerned, so we can leave this topic, but from understanding point of view that why these type of conditions are being created, we can refer this topic. That's all related to adiabatic process.